हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बिना बेक किए। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बिल्कुल अलग स्टाइल की मैं बता रही हूं आपको, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, हम इसे बेक नहीं करेंगे, इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आपको कोई बता नहीं सकेगा कि ये आपने फ्राई की है या बेक की है। और ये आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये एक दो महीना ख़राब नहीं होती है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। देर ना करते हुए चलिए अब हम बनाएंगे कुकीज़। एक कप गेहूं का आटा, व्हीट फ्लार, और इसमें हम डालेंगे आधा कप रवा सूजी, इसे सेमोलिना भी कहते हैं। रवा डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। 3/4 कप पाउडर शुगर, मैंने 3/4 कप चीनी लेकर फिर उसे पीसा है, और पीसने के बाद उसका पाउडर की वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसीलिए आपको पाउडर ज़्यादा लगता है। 1/4 कप काजू बादाम, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1/3 घी डालेंगे। घी डालने से भी ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी कुकीज़ बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। अब आप इसे हाथों में इस तरह से दबाकर मुट्ठी में देखिए, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने 1/2 कप दूध लिया है, लेकिन मैं इसमें एक साथ पूरा दूध नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, ताकि आटा ढीला ना हो और ना सख्त हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से गूंदेंगे। आटा थोड़ा स्टिकी हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि रवा डाला है तो वो दूध को ऑब्जर्व कर लेता है अच्छे से, इसलिए आपको ये थोड़ा स्टिकी लगता है। हमें इसका सॉफ्ट डो बनाना है, इसे हार्ड भी नहीं करना है। अब इस तरह इसे अच्छे से मसलते हुए अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। फिर से इसे हम अच्छे से गूंदेंगे। ये कुकीज़ इतनी टेस्टी बनती हैं, आप चाय के समय इसे ले सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, घर पर कोई मेहमान आ जाए उनके आगे भी आप रख सकते हैं, तो वो आपको बता नहीं सकते कि आपने बाज़ार से लाया है कि आपने खुद बनाया है। अगर आप उनको कहेंगे आपने बनाया, तो पूछेंगे आपको कि आपने कैसे बनाया है। ये इतने टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसे हमें ज़्यादा मसलना नहीं है, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ये देख लीजिए। ये देखिए, मैंने 1/2 कप दूध लिया था, इसमें से थोड़ा दूध बच गया है। अब हम इसके कुकीज़ बनाएंगे। मीडियम साइज़ का पेड़ा ले लीजिए, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, मैं मीडियम बना रही हूँ। इस तरह से आप इसे रोल कर लीजिए और हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस कर दीजिए। अब हम इस पर डिज़ाइन देंगे। इस तरह आप फोक ले लीजिए और इसे हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप डिज़ाइन दे दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है कुकीज़, से मार्केट जैसी आप बाज़ार से लाते हैं वैसे ही। इस तरह से आप बाकी भी कुकीज़ बना लीजिए। ये देखिए, मैंने कुकीज़ बना ली है, ये 12 कुकीज़ बन गई हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने तेल गरम रख दिया था, अब हम चेक करेंगे, मीडियम गरम होना चाहिए। अब आप फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और बहुत ध्यान से आप कुकीज़ डालिए, केयरफुली, क्योंकि तेल बहुत गर्म है इसलिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे, फुल फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए नीचे से ये ब्राउन हो चुके हैं। अब ध्यान से आप इसे पलट लीजिए सबको, ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। फ्लेम को लो ही रखिएगा तो कुकीज़ अच्छे से पकेंगी अंदर तक। ये देखिए, आपने बहुत कुकी खाई होंगी बेक की हुई, ये आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह फ्राई करके, बहुत टेस्टी बनती है, आप बता नहीं सकते ये बेक की है या नहीं। अब दूसरी तरफ भी हम ब्राउन कर लेंगे, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब सबको अच्छे से हम पलट लेंगे।
इसे आप चाय के साथ या बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, या कोई गेस्ट आ जाए उनके सामने भी आप रख सकती हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। और मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम कुकीज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और अंदर तक पक चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सेम मार्केट जैसी कुकीज़ बनी है। ये लीजिए, आपकी हेल्दी कुकीज़ बन चुकी हैं। ये बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने देखा कितने झटपट से बन गई, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1-2 महीने तक ये ख़राब नहीं होती है। और जब भी आपका मन हो आप खा सकते हैं। ये मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, अच्छे से ये पक चुकी है, क्योंकि अभी थोड़ी गर्म है, ठंडी होने के बाद सेम आपको मार्केट जैसा ही टेस्ट आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आपके सुझाव दीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।